हेलो गाइस, वेलकम बैक इन योर चैनल करियर पॉइंट। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ढेर सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जो कि है नागपुर से। और इसके अलावा इस वीडियो में मैंने अन्य शहर से भी जॉब को मेंशन किया है दोस्तों, और गवर्नमेंट जॉब और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स है दोस्तों। ज़रूर पूरा वीडियो चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है किसी बेरोजगार का भला हो जाए दोस्तों। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं नई नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले दोस्तों, इससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिलेगा नई वीडियो का सबसे पहले। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन। पहला जॉब आया है हैफकिन बायो फार्मेसिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड से, ये जॉब है दोस्तों। इसमें वैकेंसी निकली है परमानेंट बेसिस के ऊपर दोस्तों। इसमें जो वैकेंसी है वो है मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक पोस्ट है, मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिकल के लिए एक पोस्ट, मैनेजर मार्केटिंग के लिए एक, मैनेजर अकाउंट्स के लिए एक, और प्लांट इंजीनियर के लिए एक जगह खाली है। तो काफ़ी सारी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। इसमें आप लोगों को सारी डिटेल जो है क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और लास्ट डेट वगैरह क्या रहेंगे, ये सारी जानकारी के लिए आप लोगों को विजिट करना होगा इस वेबसाइट के ऊपर। मैं वेबसाइट बता देता हूँ आप लोगों को, www.vaccinehaffkine.com, ठीक है। इसके ऊपर जाके आप लोगों को सर्कुलर पेज पे जाना होगा, और इसमें आप लोगों को एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और सारी डिटेल आप लोगों को क्या क्या है वो आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए दोस्तों, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बढ़ते हैं अगले जॉब की तरफ। ये आया है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट से दोस्तों, NRTI। यहाँ पर जो जॉब निकली है दोस्तों वो है प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, एक जगह खाली है, और कैटेगरी जनरल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड पे स्केल जो है 1,09,000 के समथिंग बता रहा है। इसमें दोस्तों जो जॉब रहेगी वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये जॉब रहेगी दोस्तों। इसमें आप लोगों को लास्ट डेट जो है 9/12/2021 की है, तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाइए www.nrti.edu.in के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर और भी सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएंगी इस जॉब से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं अगले जॉब की तरफ। यह है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से, NFDC, ठीक है। इसमें जो जगह निकली है वो है मैनेजर लीगल के लिए, और क्वालिफिकेशन इसमें बता दूं PG डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस है दोस्तों इसमें इन टर्म्स लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक एंड वर्किंग विद सॉलिसिटर्स प्रेफरेबली इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ड्राफ्टिंग, वेटिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे काम बता रहे हैं दोस्तों। मिनिमम 10 साल का कम से कम यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन ऑफ अ रेप्यूटेड प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप लोगों ने काम किया है इसमें और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। PG डिग्री होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट जो है 55 साल तक का होना चाहिए, कम से कम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को और भी डिटेल अगर जानना है और अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। और ये वैकेंसी दोस्तों अभी 15 दिन है दोस्तों, 15 दिन अभी आप लोगों के पास टाइम है। ज़रूर इस वीडियो को पॉज करके इस वेबसाइट पे नोट डाउन कर लीजिए और अप्लाई कीजिए अगर क्वालिफाई हो तो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दोस्तों, ज़रूर आपको जॉब मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले जॉब की तरफ। यह इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रेगुलेटरी मेडिसिन से ये जॉब आया है दोस्तों। यहाँ पर जो पोस्ट निकली है वो है मैनेजमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट फेलिंग विच योर बायो डिप्यूटेशन एब्जॉर्प्शंस, ठीक है। यहाँ पे लेवल इन पे मैट्रिक्स बता रहे दोस्तों, 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। इसमें जो वैकेंसी निकली है वो है OBC के लिए 1, जनरल वालों के लिए 2, यानी टोटल 3 वैकेंसी है मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए। और अगला इसमें जो जॉब है वो है क्लर्क फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्लर्क के लिए जॉब निकली है, इसमें जो जनरल वालों के लिए 1 वैकेंसी खाली है। तो इसमें और भी डिटेल के लिए आप लोग दोस्तों विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वीडियो पॉज करके आप लोग वेबसाइट नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों वो है 5 दिसंबर 2021 की, तो जल्दी कीजिए। चलिए देखते हैं अगला जो। ये है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस दोस्तों, यहाँ से ये जॉब आया है। इसमें नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, नंबर ऑफ पोजीशन है 1 OBC वालों के लिए, ठीक है। इसमें सैलरी जो रहेगा 19,000 अबाव रहेगा दोस्तों। और एक जॉब, एक पोस्ट आई है रिसेप्शनिस्ट के लिए, इसमें SC वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है इनके लिए, इसमें भी 19,000 अबाव है दोस्तों।
और भी डिटेल के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वीडियो पॉज करके आप लोग वेबसाइट देख सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगा दोस्तों 10 दिसंबर का है इसमें, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए दोस्तों। रिसेप्शनिस्ट और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सारी डिटेल आप लोगों को इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। देखते हैं अगला जॉब, ये है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से जॉब आया है। इसमें नेम ऑफ पोजीशन निकला है साइंटिस्ट के लिए एक जगह खाली है, साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल के लिए एक जगह, रिसर्च असिस्टेंट के लिए एक जगह, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए भी जगह निकली है, दो जगह खाली है दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक जगह है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए एक जगह। और सारी आप लोगों को और भी इसमें क्वेश्चंस अगर हो तो आप यहाँ पर मेल आई डी दिया है, इस मेल आई डी के ऊपर आप लोग मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं इस जॉब से रिलेटेड। और यहाँ पर लास्ट डेट दोस्तों बता दूँ आप लोगों को, 10/12/2021 इसकी लास्ट डेट है, तो यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हैं, ये मेल आईडी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला जॉब, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज से ये जॉब आया है। इसमें जो पोस्ट निकली है दोस्तों वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन बहुत बौद्ध शास्त्र से के लिए है, एक जगह खाली है दोस्तों। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए फ्रॉम अवर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55 मार्क्स एट पीजी लेवल, ठीक है, ग्रेड बी इन 7-point स्केल और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ट्रेडिशनल मोनास्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें एज लिमिट जो है एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैटेगरी जो है एक रिजर्व फॉर ओबीसी, ठीक है। इसमें फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए भी पोस्ट निकली है दोस्तों, एक जगह खाली है। इसमें मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद हाई सेकंड क्लास होना चाहिए, 30 साल का एज लिमिट है दोस्तों, और ये एक जगह खाली है जनरल वालों के लिए। यहाँ पे और भी डिटेल देखने के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वीडियो पॉज करके आप लोग वेबसाइट देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले जॉब की तरफ दोस्तों, यह है नागपुर से MIS पर्सन की आवश्यकता है। यहाँ पे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट बनाए रखता है दोस्तों, MIS के लिए जगह खाली है, अच्छा खासा जॉब है दोस्तों यहाँ पे। तथा अनुभवी ड्राइवर टियागो इलेक्ट्रिक चलाने के लिए यहाँ पे जगह खाली है। संपर्क करना है संगम स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड से, 255 ई मेहर बाबा मार्ग, गूगल पेट नागपुर, श्रीकांत चौरसिया, ठीक है, ये श्रीकांत चौरसिया, मिस्टर श्रीकांत चौरसिया से संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे और भी जानकारी के लिए। अगला जॉब है जॉइंट कॉटेक ग्रुप रिक्वायर्ड कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टीम मैनेजमेंट मार्केटिंग 10th पास, फिक्स सैलरी दिया जाएगा, रिटायर्ड पर्सन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। इसमें जो अभी नई जॉब्स आई है उसको मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है, पिछला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, 2 दिन पहले मेरा आया था, उसमें भी नागपुर की भरपूर जॉब्स है और अभी उसमें भी जगह खाली होगी दोस्तों, तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं अगला जॉब, यह श्री परमानंद दिगंबर जैन धर्मशाला रेशमौली के लिए चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट, एक सुपरवाइजर और 6 भाई चाहिए, 2 रूम बॉय भी यहाँ पे चाहिए। सुबह 11 से 2 बजे तक संपर्क करना है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे, सॉरी फोन नंबर दिया है। अगला जॉब है यहाँ पर टर्नर लेथ ऑपरेटर चाहिए, पगार 15,000 तक दिया जाएगा, आवेदन के साथ मिलना है आप लोगों को दीपशिखा कॉस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से, एड्रेस दिया है 116/1 मौजा नागलवाड़ी वर्धामना के पास, अमरावती रोड नागपुर। व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों इस मोबाइल नंबर पे, या व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर मेल कर सकते हैं आप लोग इस मेल आईडी के ऊपर अपना रिज्यूम। अगला जॉब है एडबिल केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये थे रिसेप्शनिस्ट टेलीकॉलर सेल्स एग्जीक्यूटिव, अनुभवी चाहिए गरज आए, ठीक है, अनुभव होना चाहिए दोस्तों, सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग वगैरह का काम है, रिसेप्शनिस्ट भी के लिए जगह खाली है और टेलीकॉलर के लिए भी। यहाँ पे पता दिया है 7 आइलिया नगर बागाने लेआउट जैताला नागपुर। अगला जॉब आया है फायर सुपरवाइजर फायर सर्विसमैन JCOWO रैंक, ठीक है, एक्सपीरियंस इन फायर सर्विसेज, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सर्विसेज में, मीट मैनेजर लोकमत भवन, एड्रेस दिया है 912B विंग रामदास पेट नागपुर, तो दोस्तों कांटेक्ट कीजिए अगर एक्सपीरियंस वगैरह है इस फील्ड में आप लोगों को। तो अगला जॉब देखते हैं, यह है पायदान दुकान में काम करने हेतु लड़के आदमी चाहिए, बाहर गांव वालों को खाने रहने की सुविधा दी जाएंगी दोस्तों, पायदान वाला टेकड़ी रोड सीतामढ़ी नागपुर। समय 9:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक आप लोग समय दिया दोस्तों, ये हो सकता है काम का समय हो, संपर्क करना है आप लोगों को इस मोबाइल नंबर पे या फिर डायरेक्ट एड्रेस पे जाके मिल सकते हैं। अगला जॉब देखते हैं,
यह है रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर टीचर की जरूरत है दोस्तों। क्वालिफिकेशन BCA विद मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस का, ठीक है, इन स्कूल में। और रमेश चांडा की इंग्लिश स्कूल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर और भी डिटेल एड्रेस के लिए। और अगला जॉब है इलेक्ट्रिक वायरिंग करिता हेल्पर की आवश्यकता है, नवीन फ्रेशर पन चालेल, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस और फ्रेशर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईशा ऑटोमेटिक वाटर सेंसर साई विहार पीपला फाटा हुड़केश्वर नागपुर। अगला जॉब आया है अर्जेंट हायरिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव लोकेशन विदर्भा, एजुकेशन चाहिए 12th से ग्रेजुएट, सैलरी 15 to 25,000 प्लस इंसेंटिव भी दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा सैलरी बता सकते हैं दोस्तों। अगर सेलिंग में आप लोगों को मार्केटिंग में अगर नॉलेज है तो ज़रूर यहाँ पे संपर्क कीजिए। मेल आईडी दिया है दोस्तों यहाँ पे, मेल पे आप लोग अपना रिज्यूम भेज सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे। अगला जॉब है स्टेशनरी नोटबुक कंपनी साठी अनुभवी सेल्समैन अकाउंटेंट फोर व्हीलर मैक्सी ड्राइवर पैकिंग साठी मेहनती माणूस व स्क्रीन प्रिंटर पाहिजे। दोस्तों यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केटिंग के लिए काफ़ी जॉब्स आ रहे हैं दोस्तों नागपुर से, ज़रूर मार्केटिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एड्रेस दिया है श्री ट्रेडर से शिवनगर संगम टॉकीज जवर नागपुर। अगला जॉब देखते हैं कंप्यूटर ऑटो कैड चालवता येणारी मुलगी किंवा महिलेची आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। श्री आयरन फर्नीचर खरबी चौक नागपुर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगला जॉब है पाहिजे 3 अकाउंटेंट आणि 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, मराठी टाइपिंग आणि पेज मेकर कोरल ड्रॉ आवश्यक, ठीक है, पेज मेकर कोरल ड्रॉ आना चाहिए, तो ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर और 3 अकाउंटेंट यहाँ पर चाहिए। प्रसाद राजवेग हनुमान मंदिर मंदिरा बाजूला गोकुलपेट नागपुर। अगला जॉब है कारखाने हेतु हेल्पर वेल्डर चाहिए, संपर्क करें ऑटोमेटिव चौक कंपनी रोड नागपुर। अगला जॉब आया है पाहिजे ऑफिस काम साठी अनुभवी अकाउंटेंट व असिस्टेंट अकाउंटेंट, मेल फीमेल घाट रोड तेजराम रामनिवास अग्रवाल 629 नागपुर, संपर्क करना है मिश्रा जी से इस मोबाइल नंबर पे। अगले जॉब की तरफ बढ़ते हैं, यह है दुकान में काम करने के लिए हेल्पर लड़के चाहिए, संपर्क करना है वर्लपूल ब्रांड स्टोर यशवंती स्टेडियम धंतोली नागपुर, ये मोबाइल नंबर दिया है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला जॉब है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सुरेंद्र नगर पर लड़के लड़कियां चाहिए, संपर्क करना है इस मोबाइल नंबर पे। तो दोस्तों काफ़ी सारे जॉब्स देखे और नागपुर के लिए भी कुछ नए जॉब्स आए थे उसको मेंशन किया इस वीडियो में मैंने। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ज़रूर कोई ना कोई जॉब मैच किया होगा। और अन्य सिटी से भी इस वीडियो में मैंने जॉब्स को मेंशन किया, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स देखे हमने। तो फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई वीडियो और नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।